नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन छत्तीसगढ़ और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता व किसान मोर्चा के पूर्व प्रदेश प्रभारी संदीप शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार गठित केंद्र की सरकार के कार्यभार ग्रहण करते ही किसानों को सम्मान निधि की राशि जारी करने और गरीब परिवारों के लिए 3 करोड़ नए प्रधानमंत्री आवास बनाने के व्यक्त संकल्प के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया। शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने सर्वप्रथम किसान सम्मान निधि जारी करने के लिए फाइल हस्ताक्षरित करने से किसानों और गरीब कल्याण के प्रति सरकार के नेक इरादों की झलक मिल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार शपथ लेते ही एक और गारंटी अपनी पूरी कर दी है। उन्होंने देश के किसानों के नाम सम्मान निधि के रूप में 20,000 करोड़ रूपए जारी करके इस कार्यकाल का उन्होंने पहला हस्ताक्षर किया है। इसके लिए पूरे देश के किसान सहित छत्तीसगढ़ के किसान नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं और उनको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। अपने इस प्रकार के लगातार किसानों के हितकारी नीति के माध्यम से मोदी जी ने अब तक देश के किसानों को लगभग 3.42 लाख करोड़ रूपये का सीधा लाभ किसानों को पहुंचाया है और इसके माध्यम से छत्तीसगढ़ के किसानों को भी लगभग 7,800 करोड़ रूपये का सीधा लाभ किसान सम्मान निधि के रूप में प्राप्त हुआ है। मंत्री दयाल दास बघेल के आरोपों को झूठा बताते हुए कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि अपनी सरकार की सफलता और नाकामी पर पर्दा डालने के लिए मंत्री कांग्रेस पर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। लगभग 1 महीने पहले पवित्र जैत खाम के साथ तोड़फोड़ असामाजिक तत्वों ने किया, तभी से समाज आक्रोशित था। जो मंत्री दयालदास बघेल और अन्य भारतीय जनता पार्टी के नेतागण प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर अपनी सरकार की विफलता पे पर्दा डालने के लिए कांग्रेस पे दोषारोपण कर रहे हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सजग होती, सरकार अकर्मण्य नहीं होती, तो इतनी बड़ी अप्रिय घटना बलौदा बाजार में नहीं होती। सरकार की लापरवाही के कारण, सरकार की अकर्मणता के कारण बलौदा बाजार की यह घटना घटी है। गिरोदपुरी में अमर गुफा में जो पवित्र जैत खाम के साथ में छेड़छाड़ किया गया, उस मामले को गंभीरता से सरकार ने लिया होता और आहत समाज के साथ चर्चा की होती, साथ ही दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की होती और जैसा समाज चाहता था वैसे जाँच की कार्रवाई की होती, तो यह स्थिति निर्मित नहीं होती। आज सरकार अपनी गलती पर भिलाई सुपेला में हाल ही में निर्माण हुए अंडर ब्रिज व नेहरू नगर ओवर ब्रिज को दिवंगत नेताओं के नाम पर रखे जाने के अटकलों को पूर्णतया मोहर लगाते हुए भिलाई निगम महापौर नीरज पाल ने कहा कि हाल ही में आचार संहिता खत्म हुई है, जिसके बाद निगम की बैठक में यह चर्चा की गई। जल्द ही दोनों ब्रिजों को दिवंगत नेताओं के नाम पर रखा जाएगा। पूर्व विधायक स्वर्गीय विद्यारतन भसीन जी के नाम और नेहरू नगर का अंडर ब्रिज जो है उसमें वैशाली नगर के पूर्व विधायक स्वर्गीय भजन सिंह निरंकारी जी के नामकरण की स्वीकृति महापौर परिषद से कल हुई है और आने वाली सामान्य सभा में उस प्रस्ताव को भेजा जाएगा और सामान्य सभा से निश्चित रूप से दोनों नाम की स्वीकृति होने के बाद दोनों अंडर ब्रिज का नामकरण होगा। देखिए, जो रेसिडेंशियल जिनका अलॉटमेंट था उसको बीच में शासन की एक योजना आई थी, जो रेसिडेंशियल से कॉमर्शियल कराना चाहते थे वो उसका जो भी शुल्क पटाकर उसकी जो भी फॉर्मेलिटी है उसको करके वो कॉमर्शियल कर सकते थे। उसमें कुछ लोगों ने कॉमर्शियल भी करा लिया है, कुछ लोग हैं अभी भी, उनको हम लोग समय समय पर नोटिस देते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं। राजनीति क्षेत्र में रहने के साथ साथ ही समाज के क्षेत्र में और धर्म के क्षेत्र में भी अपना एक नाम कमाया है। वो सब हमारे प्रेरणा स्रोत आज नहीं है जीवन में माननीय सदैव विद्यारतन भसीन जी, लेकिन उनके कार्य को भी निरंतर क्या बोलते हैं लोग याद करते हैं। साथ में भजन सिंह निरंकारी जी, वो भी एकदम निरंकारी परिवार और निरंकारी सेवा से जुड़े हुए रहे हैं, तो निश्चित तौर पे एक अद्भुत कार्य के धनी और एक अद्भुत व्यक्तित्व हैं जिनसे हम सब ने सीखा है, हम सब ने जाना है और हम सब ने आज जीवन में जी रहे हैं। तो उनकी शैली को, उनके कार्यों को हम लोग निरंतर अपने जीवन में उतारते हैं, ऐसे महापुरुष से कहूँगा मैं।
जिन लोगों के नाम से आज भिलाई के अंदर दो अंडर ब्रिज बनेंगे, निश्चित तौर पर ये सौभाग्य भाग्य। और प्रदर्शनकारियों ने सोमवार को जिला मुख्यालय बलौदा बाजार स्थित संयुक्त जिला कार्यालय में की गई तोड़फोड़ व आगजनी की घटना का जायजा लेने उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा रात्रि करीब 1:30 बजे बलौदा बाजार कलेक्ट्रेट पहुंचे। उनके साथ खाद्य मंत्री दयालदास बघेल और राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा भी थे। उन्होंने कलेक्टर व SP से घटना की विस्तृत जानकारी ली। साथ ही उन्होंने पूरे परिसर में हुई आगजनी, जिला पंचायत, कुटुंब न्यायालय व जनपद पंचायत कार्यालय सहित शहर का भी मुआयना कर नुकसान का जायजा लिया। प्रदूषण का क्या है, भयंकरतम तोड़ फोड़ आगजनी सब किया गया है। जाने कितने गरीबों की बाइकें हैं जला दी गई, अब कल सुबह से वो क्या करेंगे। जाने कलेक्ट्रेट के रिकॉर्ड रूम में कितने लोगों की जमीन के दस्तावेज जला दिए गए, अब वो गरीब कल क्या ढूंढेंगे, क्या कराएंगे, क्या कर कर कैसे करेंगे, ये सब करने का। और पूरी बिल्डिंग जला दी गई, कितनी सुंदर सी बनी बिल्डिंग, बड़ी मुश्किल से चीज़ें बनती हैं भाई। सरकारी संपत्ति को ऐसे बर्बाद नहीं किया जाता, और ये सरकारी संपत्ति को बर्बाद करने वाले किसी समाज के नहीं होते, ये असामाजिक होते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी में कांग्रेस की तरफ से बयानबाजी में कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान प्रदेश में साय सरकार के मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर एक बड़ी बात कही। आइए आपको सुनाते क्या कुछ कहा उन्होंने। भारतीय जनता पार्टी की कैबिनेट में मात्र 2 पद खाली होंगे, एक पहले से खाली था, एक मोहन अग्रवाल जी के इस्तीफे के बाद खाली होगा। तो वैसी स्थिति में मुझे नहीं लगता है कि इस मंत्रिमंडल के फेरबदल के बाद भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ अच्छा रहने वाला है। श्री धरमलाल कौशिक, अजय चंदाकर, अमर अग्रवाल, राजेश मूढ़त और इसके अलावा अनेक पुन्नूलाल मोहले जैसे तमाम वरिष्ठ नेता हैं जो कैबिनेट में इंतजार कर रहे हैं कि उनको मौका मिलेगा। और जैसे ही यह कैबिनेट का विस्तार होगा, फेरबदल होगा, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी में बगावत शुरू हो जाएगी, जूतम पैजार शुरू हो जाएगी। बिलासपुर की 8 प्रमुख ट्रेनों के रद्द होने की तारीख में बदलाव हुआ है, जिसमें यात्रियों में असमंजस की स्थिति बन नहीं रही। उदरिया स्टेशन में तीसरी लाइन कनेक्टिविटी का काम होने के चलते तारीख में बदलाव किया गया है। इस दौरान बिलासपुर, रीवा बिलासपुर, नर्मदा एक्सप्रेस, बिलासपुर, भोपाल बिलासपुर जैसी ट्रेनें प्रभावित होंगी। बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में जरहाभाटा मंदिर चौक में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। हाइवा मिक्सर मशीन ने एक कार को टक्कर मार दी, जिससे कार 100 मीटर तक घिसटती चली गई। कार में सवार पति पत्नी व बच्चे बाल बाल बच गए। हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने हाइवा में तोड़फोड़ कर दी, तो वहीं हाइवा चालक को पकड़कर पुलिस को सुपुर्द कर दिया। भिलाई दुर्ग की हाईवे पेट्रोलिंग ने नेशनल हाईवे व केनाल रोड में खड़ी भारी वाहनों पर यातायात पुलिस दुर्ग की ओर से की जा रही नो पार्किंग में खड़े वाहनों पर कार्रवाई कर ऑनलाइन चालान काटा जा रहा है। वहीं भारी वाहन चालकों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई कर भविष्य में समझाइश की जा रही है। ट्रैफिक पुलिस लगातार ऐसे वाहन चालक जो नियमों का उल्लंघन करते हैं, चाहे शराब पी के वाहन चला रहे हैं, उसमें हम लोगों ने अभी 290 से अधिक वाहन चालकों का फाइन किया, जो हेलमेट नहीं पहन रहे हैं, रॉन्ग साइड चला रहे हैं या फिर नो एंट्री में वाहन चला रहे हैं, सभी का लगातार हम लोगों ने पिछले साल की अपेक्षा फाइन भी अधिक किए हैं। और हमारा जागरूकता अभियान भी लगातार चल रहा है, और अलग अलग स्थानों में हम लोग चाहे स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में, चौक चौराहों में, हर जगह जाके लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, और लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि ट्रैफिक रूल्स का पालन करें। गाड़ियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, जिस प्रकार 2018 में जो गाड़ियां थी आज की डेट में 4 साल बाद 2। दंतेवाड़ा जिले में रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर जैसे बड़े शहरों के साथ साथ ओडिशा, आंध्र प्रदेश और बिहार से मरीज इलाज के लिए दंतेवाड़ा के जिला अस्पताल पहुंच रहे हैं। दरअसल दंतेवाड़ा में जिला प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर कृत्रिम अंग केंद्र शुरू करवाया था, जहां उच्च कोटि के आर्टिफिशियल अंग दिव्यांगों को मुफ्त में लगाए जा रहे हैं। साथ ही आर्टिफिशियल अंगों के साथ रोजमर्रा के कार्य करने की ट्रेनिंग भी दी जा रही है, जिससे दिव्यांगों को सहायक अंगों की आदत हो सके, साथ ही भविष्य में समय समय पर कृत्रिम अंगों की मुफ्त मेंटेनेंस भी दी जा रही है। दंतेवाड़ा जिला का यह कृत्रिम अंग केंद्र छत्तीसगढ़ का दूसरे नंबर का केंद्र बन चुका है। पेशेंट अपने पास आए हैं और वो कृत्रिम अंग लगाकर और बहुत अच्छे से चलकर बहुत खुशी खुशी उनका आशीर्वाद प्रदाय कर किए हैं और बहुत ढंग से वो चले हैं और फिर अपना कार्य में फिर पुनः
वो रिटर्न हो गए हैं। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ आते हैं बहुत दुखी मन से, और उनको जब पैर लगाते हैं कुछ दिनों के लिए, उनको ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग देने के बाद वो बहुत अच्छे से अपना पुराने काम में वो चले जाते हैं। ये अब रिकग्निशन के मामले में तो कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जहाँ पे सुविधा रहती है व्यक्ति वहीं पे जाएगा, परंतु ये हम प्रयास करेंगे कि जो भी जहां से भी यहाँ पे आ रहा है वो बिना सर्विस लिए मतलब सर्विस से वंचित होकर ना जाए, उसको सर्विस मिले। दंतेवाड़ा जिले में जिला प्रशासन की मदद से बहुत अच्छी पहल चल रही। कीर्तिमान सेंटर हमारा प्रदेश में जिला प्रशासन के सहयोग और स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से दूसरे स्थान पर है। अब तक इसमें हम लोगों ने 1400 के ऊपर लोगों को लाभान्वित किया जिनको कृत्रिम अंग मिला है। इस कृत्रिम अंग में हमारे प्रशासन। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।